वेलकम गाइस, दिस इज डी शो। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं फ्लिपकार्ट से आया हुआ ये बॉक्स। इसमें क्या है, चलिए अब तो थंबनेल देखते समझ ही चुके हैं। ये मेरा नया है, बोट का मैंने ऑर्डर दिया है। चलिए देखते हैं, हेडफोन का पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है बॉक्स, हार्दिक पांड्या का एक पिक्चर। ये मॉडल नंबर रॉकर्स 235V2। और ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन। इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है। और मैग्नेटिक ईयर टिप्स, इसका मैग्नेटिक ईयर टिप्स मतलब ये वाला है मैग्नेटिक ईयर टिप्स। हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन, बिल्ड इन माइक, IPX5 सर्टिफिकेशन जो स्वेट प्रूफ के लिए काम आता है। मतलब पूरा ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। मतलब बारिश वगैरह में या फिर स्वेट होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5 है, अप टू 8 आवर्स का प्लेबैक है, तो रफली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 6-7 आवर्स का मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स है, मतलब ये प्ले पॉज वाला बटन। हाँ, इसमें क्विक चार्ज है, ऐसा फास्ट चार्ज, मतलब ये क्विक चार्ज मतलब 20 मिनट्स में ये अप टू 4 आवर्स का प्लेबैक दे देता है, ऐसे कंपनी क्लेम करता है। और इसमें कॉल वाइब्रेशन अलर्ट, और ये 10mm का डायनेमिक ड्राइवर। इसका ये जो है कॉल वाइब्रेटिंग अलर्ट, ये मतलब आपका अगर गले में नेक बैंड हो और उसके बाद कोई कॉल वगैरह आता है कनेक्टेड हो आपके फ़ोन के साथ, तो ये वाइब्रेट करता है, जो एक प्रीमियम काइंड ऑफ फीचर है, जो एक बहुत ही अच्छा लगा। मतलब आप कोई भी नॉइजी एरिया में हैं, आपको फ़ोन आपका पॉकेट में है और ये नेक बैंड आपको बता देगा कि आपका कॉल आया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये है गाइस कुछ बॉक्स कंटेंट्स। ये आपका जो हेडसेट है वो आपको मिल जाएगा ऐसे प्लास्टिक के केस में। और ये एक छोटा सा माइक्रो USB केबल दिया गया है जो रेड कलर का है, थोड़ा वन प्लस के कलर की तरह लग रहा है, अच्छा है क्वालिटी, लेकिन वायर थोड़ा छोटा है। और ये आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलता है, आपके ईयर के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बोट का ये है स्पेसिफिकेशंस मैनुअल, आप कैसे यूज़ करेंगे तो पढ़ लेना जिसको ज़रूरत है। और ये भी एक है सनबर्न का, जो बोट का ही कुछ प्रोडक्ट्स का है, ठीक है। तो ये अभी चेन्नई सुपर किंग्स का कुछ लोगो वगैरह है। और ये एक है 1 ईयर वारंटी कार्ड, ठीक है। और ये एक अच्छी वाली है बोट हेड, एक स्टिकर दिया गया है, #IAM बोट हेड, अच्छा लग रहा है दिखने में, थोड़ा प्रीमियम कलर क्वालिटी की स्टिकर लग रहा है। तो ये है हेडसेट, ऐसे पैकिंग में इसका आता है, पैकिंग तो अच्छा है। और हेडसेट के क्वालिटी अगर मैं बोलूं तो इट्स गुड, फीलिंग अच्छा है। मैंने इसको ग्रे कलर में परचेस किया है, ये बोट की ब्रांडिंग इस तरफ में, अच्छा है क्वालिटी, लाइट वेट है, उतना हैवी नहीं है। मतलब आपको उतना ये नहीं होगा कि बहुत थोड़ा ये टाइप का है, हल्का टाइप का है। और इस साइड में है आपको प्ले पॉज, ये मिडिल वाला प्ले पॉज वाला बटन है, ये प्लस ये माइनस, और ये इसको प्लस को पकड़ेंगे तो ये नेक्स्ट होगा, माइनस को पकड़ेंगे तो प्रीवियस होगा, और इसको पकड़ के रखेंगे तो ये गूगल असिस्टेंट को ऑन करता है। और यहाँ पे एक माइक का भी ऑप्शन है, यहाँ से कॉल रिसीव होगा। और ये एक चार्जिंग वाला टिप दिया गया है जो कि प्रोटेक्टेड है, अच्छा है, माइक्रो USB जो है DC इन लिखा हुआ है, अच्छा क्वालिटी का है। और ये एडजस्टेबल टिप दिया गया है जिसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट रबर दिया गया है जो कानों में फिट इजीली हो सकता है। और देखिए ये मैग्नेटिक है, अच्छा क्वालिटी है, मतलब मैग्नेट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग है,
देखिए जाओ गिर गया। मैग्नेटिक वे अच्छा है। अब इसका क्वालिटी कैसा है साउंड वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ सुन के। भाई इसका साउंड क्वालिटी जो है देखिए, ये अगर पेयरिंग के, ये जो अभी लाइट ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये रेडी टू पेयर है, और आपको वॉइस कमांड के थ्रू ये बोल भी देगा कि योर डिवाइस इज नाउ रेडी टू पेयर। अगर कॉल आता है तो बोलेगा इनकमिंग कॉल, फुल साउंड अगर होगा तो बोलेगा कि दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ऐसे ही कुछ वॉइस कमांड है इनबिल्ट है इसमें, और यही बटन से मैंने ऑन किया था, ये मिडिल वाला बटन से, इससे शायद ऑफ हो जाएगा। हाँ तो ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हो गया अभी, ये रेड दिखा के ऑफ हो गया अभी। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है इस प्राइस रेंज में। मतलब मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया है अराउंड 1200 के आसपास, 1199, और डिस्काउंट वगैरह मतलब सेल जब चलता है तो शायद 1000 के नीचे ही ये मिल जाएगा। लेकिन इसका जो साउंड क्वालिटी है बॉस वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये ब्लूटूथ हेडसेट है, तो नॉर्मली ब्लूटूथ हेडसेट में हम लोगों को प्रॉब्लम यही होता है कि उसमें बेस कम रहता है, उसका जो कंफर्ट लेवल है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन इसका कंफर्ट लेवल भी अच्छा है बहुत ही। ये तो छोड़ो, ये गले में रहेगा, नेक में रहेगा, इसका कोई वेट आपको फील ही नहीं होगा। और ये जो ईयरबड्स है मतलब जो आपको कान में ये फिट होंगे, ये बहुत ही अच्छे से फिट होता है, ठीक है, और इसका कोई भी इशू नहीं है, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये साउंड प्रोड्यूस करता है। बेस बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे मेरे MI का फ़ोन है, पोको है फ़ोन, उसके साथ तो बहुत ही अच्छा इसका जो है बेस आउटपुट निकला है। तो मैं मतलब बहुत ही सेटिस्फाई हूँ विद दिस प्रोडक्ट, और अभी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मुझे 100% चार्ज में मिला है इसको। तो मैं इसको यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद मैं देखता हूँ इसका फाइनल कितना घंटा मुझे बैकअप ये देती है, लास्ट ये होता है ये। एज पर साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इन दिस प्राइस पॉइंट दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट फॉर। ये V2 वाला है, ये मैंने इसका Amazon में रिव्यू देखा, बहुत बंदे इसका ख़राब बोला है कि इसका बेस अच्छा नहीं है, इसका साउंड क्वालिटी उतना ज़बरदस्त नहीं है। पता नहीं उन लोगों का कान में फिट आया था कि नहीं, और ये तो मतलब मुझे जैसे लगा कि बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी है साउंड का। देखिए इसमें फिर से रख गया इसका ये R मतलब राइट ईयर के लिए है, और ये लेफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है RL दिया हुआ है, और अच्छा है इसका क्वालिटी, बहुत ही अच्छा है। मतलब सच में मैं एक बेस लवर हूँ, मैं मुझे बेस पसंद है, और जैसे कि ये बेस प्रोड्यूस करता है ये बहुत ही अच्छा बेस है, मतलब मैं इसको ख़राब बेस कभी भी बोल नहीं सकता। तो ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है। आप रिव्यू वो जो सब लिख रहे हैं वो सब देख के मतलब कंफ्यूज मत होइए, इसका सच में इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो यही था दोस्तों, वैसे मैं इसका बैटरी टेस्ट दूंगा, ठीक है। मैं बैटरी टेस्ट के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका डेडिकेटेड एक बैटरी टेस्ट किया जाए, तो लगभग 7-8 घंटे ये दे ही देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका एज पर क्वालिटी के हिसाब से। और कॉल क्वालिटी भी मैंने चेक किया, और कॉल में भी वाइब्रेशन होता है अच्छा खासा, आपको फील होगा, और कॉल क्वालिटी ज़बरदस्त है, कोई मतलब साउंड लैग ड्रॉप ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो अगर आप यही प्राइस रेंज में 1100-1200 का रेंज में अगर आप चाहते हैं एक अच्छा वाला ब्लूटूथ हेडसेट लेने के लिए, तो दिस इज़ द वन, यू कैन गो फॉर इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मुझे मिला ये एक्स्ट्रा, पता नहीं ये एक पूरा IPL का दे दिया है, प्लेयर्स लोग है, ये एक क्या बोलूँ इसका, जितना भी प्रोडक्ट्स है उन लोगों का पूरा दे दिया है। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड ये वीडियो अगर पसंद आया आपको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को, सपोर्ट मिलेगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।